हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर साउंड एंड सेफ। डियर किड्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव डन कीवर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग फ्रॉम आवर लेसन सेकंड हैप्पी प्रिंस। टुडे वी विल डू एंटोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर। सो डियर किड्स, आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क ऑल्सो। व्हाट वाज गिवन टू यू? व्हाट वाज गिवन टू यू? आपने राइट किए हैं ना कीवर्ड्स और ये वर्ड मीनिंग। टुडे वी विल डू फर्स्टली एंटोनिम्स। सो डियर किड्स, लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डू एंटोनिम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स? एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैप्पी है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी? सैड। सो एंटोनिम ऑफ हैप्पी इज सैड। नाउ लेट्स डू आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रेसेस। व्हाट इज आवर फर्स्ट वर्ड? प्रेसेस। प्रेसेस मीन्स वैल्यूएबल, मीन्स जो कीमती है एक तरह से। प्रेसेस, एंटोनिम ऑफ प्रेसेस इज चीप। प्रेसेस चीप, प्रेसेस चीप। और सेकेंड इज सोरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरो? सोरो मीन्स ग्रीफ। क्लियर? दुख। सो एंटोनिम ऑफ सोरो इज हैप्पीनेस, खुशी। सोरो हैप्पीनेस, सोरो हैप्पीनेस। और थर्ड इज पुअर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअर? पुअर यू नो वेरी वेल ना, पुअर मीन्स गरीब। सो एंटोनिम ऑफ पुअर इज रिच। पुअर रिच। आवर फोर्थ इज वार्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म? मीन्स हॉट। वार्म कॉल्ड, वार्म कॉल्ड। आवर फिफ्थ इज हैवी। हैवी यू नो वेरी वेल ना, हैवी मीन्स भारी। सो अपोजिट ऑफ हैवी इज लाइट। हैवी लाइट। आवर नेक्स्ट इज अगली। अगली मीन्स जो ब्यूटीफुल नहीं होता, एक तरह से भद्दा। अगली, अगली ब्यूटीफुल। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अगली? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज सेवंथ, डेड। अपोजिट और यू कैन से एंटोनिम ऑफ डेड इज अलाइव। डेड अलाइव। लेट्स डू अगेन। प्रेसेस चीप, सोरो सोरो हैप्पीनेस, पुअर रिच, वार्म कॉल्ड, हैवी लाइट, अगली ब्यूटीफुल, डेड अलाइव। क्लियर डियर किड्स? नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस? Why was the prince called the happy prince? यानी कि जो प्रिंस था ना, उसको हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? Why? So answer is, you will start answer from here. The prince. The prince. After that, what will you write? Was. What will you write? Was. The prince was called the happy prince. क्लियर? उसके बाद क्या है? वाई। सो वाई है तो किस में आंसर दोगे आप? बिकॉज। बिकॉज ही हैड अ स्माइल ऑन हिज लिप्स। बिकॉज ही हैड अ स्माइल ऑन हिज लिप्स। वाई वॉज प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस? आंसर इज, द प्रिंस वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज He had a smile on his lips. क्योंकि हमेशा उसके lips पे क्या रहती थी? Smile रहती थी। इसलिए उसको क्या कहा जाता था? Happy Prince. The prince was called the happy prince because he had a smile on his lips. Clear? When you will write this question in your notebook, dear kids, how you will start?
जैसे ही आप अपना वन क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना, आफ्टर दैट यू विल लीव वन लाइन. क्लियर? फर्स्टली यू विल राइट हैडिंग क्वेश्चन आंसर, आफ्टर दैट यू विल राइट योर क्वेश्चंस, आफ्टर दैट योर आंसर, एंड व्हेन योर आंसर विल बी कंप्लीटेड देन यू विल लीव वन ए लाइन. क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where was the swallow? Where was the swallow? What did the swallow see on looking up? इस questions में आपसे two questions पूछे हुए हैं. First है where was the swallow? Swallow कहाँ थी? And second, what did the swallow see on looking up? Swallow ने ऊपर क्या देखा? So where was the swallow? Firstly answer this question. The swallow was resting between the feet. The swallow was resting. Swallow rest kar raha tha ya kar rahi thi between the feet of the statue of the happy prince. Jahan pe happy prince ka statue tha na, uske feet ke beech mein wo swallow rest kar rahi thi. Clear? सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन में? व्हाट डिड द स्वेलो सी ऑन लुकिंग अप? तो क्या देखा उसने ऊपर? द स्वेलो सा टीयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैचू. द स्वेलो सा टीयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैचू. स्वेलो ने क्या देखा कि टीयर्स आ रहे थे जो स्टैचू की आईज थी उसमें से. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस? द प्रिंस वाज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही हैड अ स्माइल ऑन हिज लिप्स. क्योंकि उसके लिप्स पे क्या रहती थी? स्माइल रहती थी. नेक्स्ट क्या है? वेयर वाज द स्वेलो? स्वेलो कहाँ थे? The swallow was resting between the feet of the statue of the happy prince. Swallow rest कर रही थी happy prince के feet के बीच में जो statue बना हुआ था. And what did the swallow see on looking up? The swallow saw tears coming out from the eyes of the statue. Swallow ने क्या देखा कि tears आ रहे थे statue की eyes में से. Clear? Our next question is, how did the happy prince help the poor woman? Happy prince ने poor woman की help कैसे की? तो कैसे की थी happy prince ने poor woman की help? The happy prince helped the poor woman by giving one of the jewels of his sword. उसने अपने सॉर्ड में से एक जल्स निकाल के किसको दिया था? स्वेलो को दिया था, ताकि वो उस जल्स को किसको दे? ओल्ड वूमन को. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर वूमन? सो द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर वूमन बाय गिविंग वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ हिज सॉर्ड. अपने सॉर्ड में से एक ज्वेल्स निकाल के उसने किसको दिया था? पुअर वूमन को. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द स्वेलो नॉट गो टू द वार्मर प्लेस? व्हाई डिड द स्वेलो नॉट गो टू द वार्मर प्लेस? जो स्वेलो है वो वार्मर प्लेस पे क्यों नहीं गई? क्लियर? तो जो स्वेलो जो बर्ड था ना, वो वार्मर प्लेस पे क्यों नहीं गया? पहले तो वो जाना चाहती थी, ये जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ बाद में वो वहाँ से नहीं गया, तो वाई? तो आंसर इज द स्वेलो डिड नॉट गो टू द वार्मर प्लेस बिकॉज. यहाँ भी आंसर क्वेश्चन किस में था आपका? वाई में था. तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? द स्वेलो, उसके बाद क्या आएगा? डिड. द स्वेलो डिड नॉट गो टू द वार्मर प्लेस बिकॉज. द स्वेलो डिड नॉट गो टू द वार्मर प्लेस बिकॉज द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो नॉट टू लीव हिम.
हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट की थी स्वेलो से कि वो उसको छोड़ के ना जाए. क्लियर. द स्वेलो डिड नॉट गो टू द वार्मर प्लेस बिकॉज द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो नॉट टू लीव हिम. द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो नॉट टू लीव हिम. और वो उससे और भी कुछ अपने वर्क करवाना चाहता था ना हैप्पी प्रिंस. सो आगे क्या लिखोगे आप. ही वॉन्टेड सम मोर वर्क टू बी डन बाय द स्वेलो. वो चाहता था कि स्वेलो से वो और भी कुछ अच्छा काम करवाए. ही वॉन्टेड सम मोर वर्क टू बी डन बाय द स्वेलो. क्लियर. वट इज़ अर थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर वूमन. कैसे पुअर वूमन की हेल्प की थी हैप्पी प्रिंस ने उसको अपनी स्वॉर्ड में से अपनी तलवार में से एक जर्स निकाल के. सो द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर वूमन बाय गिविंग वन ऑफ द जर्स ऑफ हिज स्वॉर्ड. आवर नेक्स्ट इज व्हाई डिड द स्वेलो नॉट गो टू द वार्मर प्लेस. द स्वेलो डिड नॉट गो टू द वार्मर प्लेस बिकॉज द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो नॉट टू लीव हिम. He wanted some more work to be done by the swallow. वो swallow से कुछ work और करवाना चाहता था. Clear? Our next question is, what were the two precious things that God ordered the angels to bring? God ने अपने angels भेजे थे ना earth पे कि two precious things लेके आओ earth पर से. तो क्या लेके आए थे वो. एक तो जो हैप्पी प्रिंस था उसका ब्रोकन हर्ट और दूसरा डेड स्वेलो. सो आंसर इज द यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द टू प्रेसेस थिंग्स दैट गॉड्स ऑर्डर द एंजल्स टू ब्रिंग आर द ब्रोकन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो. द Two precious things that the God ordered to bring are the broken heart of the happy prince and the dead swallow. Clear? So, let's see again this question. What were the two precious things that God ordered the angels to bring? Kya bola tha angels ko leke aane ke liye? The Two precious things that the God ordered to bring are the broken heart of the happy prince and the dead swallow. Clear? We have done. Our question answer. Now make sentence. As you all know that in after every lesson we do two make sentence na. So in this chapter there are two word from which you have to make sentences. First is डेकोरेटेड. डेकोरेटेड क्या होता है. डेकोरेट करना. क्लियर. सो यू कैन मेक एनी सेंटेंस लाइक वी डेकोरेटेड आवर कार विद फ्लावर. वी आर डेकोरेटिंग आवर रूम. वी डेकोरेट द वी डेकोरेट आवर हाउस. क्लियर. इन दिस वे यू कैन मेक एनी सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड. नेक्स्ट इज प्रेसेस. प्रेसेस मीन्स वैल्यूएबल. Precious, valuable, so he is precious to us. This gift is very precious to me. Clear? Like this you can make any sentence. But dear kids, you will not frame the same sentence. You will not do copy. Clear? You will make your own sentence. Clear? So dear kids, we have completed our chapter, The Happy Prince. Clear? We have completed this now. So what will you do? You will learn keywords, word meaning and antonyms from this lesson. And if you have any kind of query regarding this, you can write in comment box.